channel, the Bioscience Arena. So here's my second video on the chapter chemical reaction and equation. In this video I'm going to explain what is balancing equation. So balancing equation को हम काफी easy method से करेंगे, जिससे कि आपको करने में बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं होगी equation को balance करने के लिए. उसके लिए आपको पूरी end तक video देखनी होगी. तो balancing equation क्या होती है? जो number of atoms होते हैं elements के जो reaction में involved होते हैं, तो उनका number equal होना चाहिए reactant और product में. यानी कि example से समझते हैं, जैसे Zn plus H2SO4 अगर रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और H2 बनाएगा. तो अब इसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो अब पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व हैं. तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. इधर भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो अब इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये देखेंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स इन जिंक, तो जिंक में कितना है रिएक्टेंट में, सिर्फ एक, तो यहां वन लिख देंगे. अब प्रोडक्ट में देखेंगे कितना है, यहां पर भी सिर्फ एक है, यहां पर भी वन. अब देखेंगे हाइड्रोजन में कितने हैं, दो, हाइड्रोजन टू. और इधर अगर देखें तो यहां पर भी दो. ये यहां जो नंबरिंग होती है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ एटम को, तो यहां पर भी दो है हाइड्रोजन के. अब अगला देखें हम सल्फर. सल्फर में यहां पर कितना है, एक है. और यहां पर कितना है सल्फर में, यहां पर भी एक है. अब अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं एटम, चार. और इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, यहां पर भी चार. तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी चार और प्रोडक्ट में भी चार. अब देखेंगे कि एटम्स दोनों में इक्वल है या नहीं है. जिंक के रिएक्टेंट में भी एक, प्रोडक्ट में भी एक, बराबर है. हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में भी दो और प्रोडक्ट में भी दो, यहां पर भी इक्वल है. सल्फर में रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, तो ये भी इक्वल है. ऑक्सीजन के देखें रिएक्टेंट में भी चार है और प्रोडक्ट में भी चार है. तो इसका मतलब LHS equals to RHS, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि बैलेंस्ड रिएक्शन है. अब अगला अगर हम एग्जांपल देखें, H2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा. अब अगर हम इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. अब कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है ये देखेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने हैं, यहां पर दो. और यहां पर कितने हैं, यहां पर भी दो. अब ऑक्सीजन का अगर हम देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, यहां पर दो है लेकिन यहां पर सिर्फ एक है. तो अब हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड फॉर्म में है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में करना होगा. तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट में अगर दो है तो यानी कि प्रोडक्ट में भी दो होने चाहिए, तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट में. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बढ़ाएंगे, तो यहां पर हम दो की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब देखिए यहां पर 1 है, 2 1s are 2, यहां पर अब हो गया 2, लेकिन अब हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, 2 2s are 4, तो यहां पर ये 4 हो गया. तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया. अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. अब क्योंकि यहां पर 4 है हाइड्रोजन के नंबर,
तो यहाँ पर भी चार होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हम टू की मल्टीप्लाई अगर कर दें, टू टू जार फोर, तो यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन फोर हो गया। तो अब हाइड्रोजन भी बेलेंस्ड फॉर्म में आ गया, अब ऑक्सीजन भी बेलेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो अब ये जो रिएक्शन है ये अपनी बेलेंस्ड फॉर्म में, यानी कि टू एच टू रिएक्ट्स विद ओ टू गिव्स टू एच टू ओ। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल देखा हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन हुआ उसको बेलेंस करने का, ये सिंपल था। लेकिन अगर जो रिएक्शन हो वो थोड़ी लेंथी हो और उसमें मेटल नॉन मेटल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर सारे एलिमेंट हो, तो ये कैसे क्लियर हुआ कि कौन सा एलिमेंट हम सबसे पहले बेलेंस करें? तो उसकी एक ट्रिक है, जैसे सबसे पहले कोई भी जो रिएक्शन होगी उसमें सबसे पहले मेटल को बेलेंस करेंगे हम, उसके बाद नॉन मेटल को बेलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बेलेंस करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को बेलेंस करेंगे। तो अगर इस मेथड से करेंगे तो बेलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम पहले जो रिएक्शन होगी उसमें मेटल है, मेटल को बेलेंस करेंगे, जब मेटल बेलेंस हो जाएगा जितने भी मेटल्स होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। अब नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद दोबारा से मेटल के पास जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या मेटल अब भी बैलेंस्ड फॉर्म में है या नहीं है। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे फिर ऑक्सीजन के पास जाएंगे ये देखने के लिए, ऑक्सीजन के पास जाएंगे यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा फिर से पीछे वाले देखेंगे कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में अब भी है या नहीं है। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, CuSO4 रिएक्ट करेगा जब NaOH से, तो क्या बनेगा Na2SO4 और CuOH का होल ट्वाइस। अब दूसरा स्टेप क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो कॉपर सल्फर ऑक्सीजन और सोडियम और हाइड्रोजन, तो ये इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन कॉपर, तो कॉपर में इधर एक है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी सिर्फ एक है। दूसरा है सल्फर, तो नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर, सल्फर में कितना है, यहां पर एक है और इधर सल्फर यानी कि यहां पर भी एक है। अब अगला क्या है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन में चार ये और एक ये, चार और एक पांच। अब यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन चार ये और दो ये होल ट्वाइस है OH का, यानी कि ऑक्सीजन भी दो है और H यानी कि हाइड्रोजन भी दो है, तो दो और चार छह। अब अगला सोडियम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम, तो अब इसमें कितना है, यहां पर एक है और यहां पर दो है। अब नेक्स्ट वन हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर एक है और यहां पर दो है। तो अब इस मेथड से अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मेटल देखेंगे, तो मेटल इसमें कॉपर है और सोडियम है, तो कॉपर अगर हम देखें बराबर है दोनों साइड। अब अगला सोडियम देखें, तो सोडियम रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में दो है, तो यानी कि हमें सोडियम रिएक्टेंट में दो करना होगा, यानी कि जिधर कम होता है उसको बढ़ा के उसको बैलेंस करना होता है। तो अब यहां पर अगर हम दो की मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर सोडियम टू हो गया, तो ये हो गया दो। अब इसमें ऑक्सीजन का भी नंबर चेंज हो गया, तो टू वन जा टू और प्लस फोर ये, तो फोर प्लस टू सिक्स। अब उसके बाद मेटल हो गया बैलेंस, अब नॉन मेटल देखें, नॉन मेटल क्या है इसमें सल्फर, तो सल्फर एक एक है दोनों साइड, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन इधर कितना है छह
और इधर भी अब 6 है, तो यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, तो रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए हाइड्रोजन, तो यानी कि अब यहाँ पर भी नंबर हाइड्रोजन का चेंज हो गया, क्योंकि 2 था तो 2 1 2, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 हो गया, तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS हो चुका है, 1 1 1 1 6 6 2 2 और 2 2, तो ये अब इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में हो चुकी है। अब अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो Na रिएक्ट्स विद वाटर यानी कि H2O गिव्स NaOH और H2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, सेम मेथड होगा, ये रिएक्टेंट और यहां पर प्रोडक्ट। अब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ एटम इन सोडियम, तो सोडियम में कितने हैं? 1, यहां पर भी 1। अब दूसरा देखें हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहां पर 2 है और यहां पर 1 और 2 3। अगला ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन यहां पर 1 और यहां पर भी 1। तो अब हमें ये इक्वेशन इस अगर मेथड से बैलेंस करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल देखेंगे, मेटल है इसमें सोडियम, सोडियम दोनों तरफ 1-1 है, यानी कि इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगला है नॉन मेटल, नॉन मेटल इसमें नहीं, हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल में माने जाते हैं, लेकिन इनको हम अलग से बैलेंस करते हैं। अब अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब अगला देखें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यानी कि यहाँ पर भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 3 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में अगर हम 1 से मल्टीपल करें तो नहीं होगा, यानी कि सेम वैल्यू रहेगी। अब हम 2 से करें तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2 2 4 4 आ जाएगा, ऑड नंबर में नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 4 आ गया। अब इसका मतलब भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट में भी 4 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कितने हो गए, 2 और +2 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब हम फिर से पीछे जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या और एलिमेंट बैलेंस्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर हम देखें, ऑक्सीजन अब यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 1 2। अब नॉन मेटल क्योंकि इसमें है नहीं, तो अब मेटल देखेंगे, मेटल सोडियम यहाँ पर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, क्योंकि पहले 1 था अब 2 हो गया, तो 2। अब सोडियम जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो यानी कि हमें इधर 2 है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हो गया 2। तो ये हो गए इस रिएक्शन की बैलेंस्ड फॉर्म। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, यानी कि Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। तो सेम मेथड से ये रिएक्टेंट और यहां पर प्रोडक्ट। अब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में इधर 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है। अब ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है। तो अब इसी मेथड से देखेंगे, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, यानी कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो क्योंकि नॉन मेटल इसमें है नहीं, अब ऑक्सीजन को करेंगे
तो ऑक्सीजन यानी रिएक्टेंट में दो है और प्रोडक्ट में एक है, यानी कि तो प्रोडक्ट में भी दो होने चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब कितना हो गया, 2 1 2। अब दोबारा से पीछे जाएंगे ये देखने के लिए कि अब मेटल वैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। तो मैग्नीशियम, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ ये भी 2 हो जाएगा, तो यानी कि अब ये अनबैलेंस फॉर्म हो गया। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 हो गया। अब दोनों वैलेंस फॉर्म में हो गए हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। AlOH3 व्हेन रिएक्ट इट गिव्स Al2O3 एंड वाटर, यानी कि H2O। अब इसको सेम मेथड से ही सॉरी वैलेंस करेंगे। ये रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। अगला, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एल्यूमिनियम, तो इधर एक और यहां पर 2। अब ऑक्सीजन, क्योंकि होल थ्राइस है, तो O3H3 होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स इन O3 एंड प्रोडक्ट में भी सॉरी 3 नहीं 4, 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन 3 और इधर 2। तो अब हम इसे इसी मेथड से अगर बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल यानी कि एल्यूमिनियम, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए, तो सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर यानी कि 2 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इसके साथ जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं उनको भी हम सही से कर दें, तो यानी कि ये 3 और 2, 3 2 6, और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नॉन मेटल, क्योंकि इसमें नॉन मेटल है नहीं, तो अब हम देखेंगे आगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 6 हो गया, प्रोडक्ट में 4 है, तो यानी कि प्रोडक्ट में भी 6 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 3A+3 1 3, तो 3 3 6 हो गया। अब अगला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6, तो अब तीनों एलिमेंट्स इस रिएक्शन के वैलेंस फॉर्म में हो चुके हैं। तो ये पढ़ा हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस के बारे में, काफी प्रैक्टिस भी कर ली। आई होप अब आपको करने में कोई दिक्कत ना आएगी। अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू एंड कीप प्रोवाइजिंग।